यवतमाल वाशिम की शिवसेना सांसद भावना गवली को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक बार फिर समन भेजा है। गवली को महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान मामले में 5 मई को एजेंसी के सवालों के जवाब देने के लिए उसके दक्षिण मुंबई स्थित ऑफिस में हाजिर रहने को कहा गया है। ईडी इससे पहले भी 3 बार गवली को समन भेज चुकी है, लेकिन वे बीमारी और संसद सत्र का हवाला देकर जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुई। गवली चौथी बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुई तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि जांच एजेंसी ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने के लिए अदालत जा सकती है। इस मामले में गवली के ठिकानों पर छापेमारी के अलावा उनके करीबी सईद खान को जांच एजेंसी गिरफ्तार भी कर चुकी है। ईडी खान का 3 करोड़ 75 लाख रुपए का फ्लैट भी जब्त कर चुकी है।